छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अजीत जोगी की एफआईआर को स्थगित करने की याचिका और निवेदन को खारिज कर दिया। जाति छानबीन समिति के आदेश के बाद कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर तहसीलदार ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ जोगी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। जोगी ने यह भी कहा था कि अपराध 1968 में हुआ है और जिस अधिनियम के तहत ये अपराध दर्ज किया गया है वो लागू नहीं होता। मामले में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सुनवाई के दौरान बताया कि मामला काफी पुराना है, लगातार इसमें तफ्तीश जारी, इसलिए अजीत जोगी के खिलाफ अपराध तो बनता है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर स्थगित करने की याचिका और निवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने आज ये निर्णय दिया है कि अजीत जोगी जी के मामले में एफआईआर को स्टे नहीं किया जाएगा, कार्रवाई उस पर जारी रहेगी। ये उसके विधायकी पे क्या असर पड़ेगा, क्या विधायकी भी निरस्त होगी इस पर? क्या ये तो आगे की गतिविधियां रहेंगी, इस पर अभी तत्काल तो कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक और याचिका भी दायर की है जिसमें जाति छानबीन समिति के सारे फाइंडिंग्स को उन्होंने चैलेंज किया है, तो तब तक थोड़ा सा हमको वेट करना है इस इश्यू पे। पर एफआईआर जारी रहेगा, एफआईआर की कार्रवाई बिल्कुल जारी रहेगी, कोई रोक नहीं दिया कोर्ट ने।